जाओ यार। हमारे साथियों और यहाँ पर जो बच्चे खड़े हम सभी को मतलब 115 दिवस पर सभी शुभकामनाएं देते। आज हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है। मैं केवल यही प्रदान करता हूँ कि 15 अगस्त को और 15 दिवस मनाया जाता। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी की अंतिम में हमारे देश में आए थे जो वायसराय उनका सुनाम था लुईस माउंट बेटन, पूरा नाम था लुईस फ्रांसिस अल्बर्ट विक्टर निकोलस माउंट बेटन। उन्होंने ही 15 अगस्त को सुझाया था और फ्रीडम के लिए कि लुईस माउंट बेटन जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो एलाइड फोर्सों के फिल्ड मार्शल थे, तो एलाइड फोर्सेस जो ग्रेट ब्रिटेन यूएसएसआर और जो भी उनके समर्थक देश चाइना फ्रांस पोलैंड, तो एलाइड फोर्सेस के कमांडर थे, सुप्रीम कमांडर थे ईस्ट जोन में। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था 14 अगस्त को जापान ने यूनान को सरेंडर किया और 15 अगस्त को एलाइड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर जनरल लुईस माउंट बेटन के सामने एक्सिस फोर्सेस को मिला, जापानी फोर्सेस ने उनके सामने सरेंडर किया। इसी डे को कमेमोरेट करना चाहते थे, यादगार बनाना चाहते थे, इसी कारण से किसी एकदम सभी लोगों ने बोला कि 15 अगस्त को जो किसी ने बोला 15 अगस्त को बहुत अशुभ दिन है, कोई और दिन शुभ है वो आ गए लास्ट। इसी दिन हमारे जापानी फोर्सेस ने हमारे सामने सरेंडर किया था, इसी दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो फिर जो किसी ने कहा कि अरे 15 अगस्त बहुत अशुभ है, तो फिर एक अभिजीत मुहूर्त निकाला गया जो 38 मिनट का था। 14 अगस्त की रात को 11:51 से 15 अगस्त के सुबह 12:39 का विजिट मूव पर उसी समय बोला गया कि जो 15 दिवस के जो भाषण है उसी 48 मिनट के दौरान पढ़ा जाएगा। तो इस उसी समय जो देश आजाद हुआ 14 अगस्त के 11:51 से 12:38 नेहरू जी का द्वारा नेहरू जी हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री उनका भाषण विजय पूर्वक किया गया। ज्योतिषियों के अनुसार कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार दिन का शुरुआत सात सुबह सूर्योदय से होता है, बल्कि अंग्रेजों के अनुसार दिन की शुरुआत 12 बजे हो जाती है। और अभिजीत मूर्ख के मुकाबला गया 11:51 14 अगस्त को 12:38 उसी दिन दौरान गांधी जी को जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही फेमस भाषण दिया था राष्ट्र उद्देश्य में। और इसी कारण हमने बोला था कि हमारे देश आज़ाद हुआ अभी बनाए और दो किताबें बहुत अच्छी लिखी है दो पुस्तक और एक किताब था कि फ्रीडम एट व्यूज लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लैटरी, बहुत ही दिलचस्प और कैसे कैसे हमारा देश आज़ाद हुआ भाषण है। और उसी दौरान एक बहुत ही अच्छी किताब है मीन लाइट चिल्ड्रेन सलमान रशीदी का, जो कि 14 या 15 अगस्त के जो जन्म हुए उसी कारण उनको मैं ये बात नहीं चाहता हूँ 15 अगस्त को लॉर्ड माउंट बेटन जो जापानी फोर्सेज के उनके सामने सरेंडर किया था उसी को उन्होंने दिन किया था 15 अगस्त को उसी दिन हमारा देश उनको थैंक यू। और गणतंत्र दिवस उस पर भी हम खत्री साहब को बुलाते हैं, बड़ी यूनिक जानकारी देते हैं हमारे ये बड़ा अच्छा लगता है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डीएसपी साहब सहमान से श्री सुरेंद्र जी डी एस पी हाँ आर एस गुलजार जी डी एस पी साहब, हाँ जी गुलजार साहब प्लीज।